बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिलर्नर पॉइंट्स। आज हमने इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसका सब्जेक्ट कोड 507 है उसका जीडीबी सॉल्व करना है। जीडीबी के सोल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले छोटी सी दरख्वास्त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को हिट करें ताकि आप मेरी अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन ऑन टाइम वसूल कर सकें। तो चलें अपने जीडीबी के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। A recent security audit of information system of BYZ Dynamics shows that their systems have certain communication TCP /UDP ports open to internet users in addition to required working ports. Claim BYZ Dynamics company ka jo haal hi mein information system ki security ko audit kiya gaya woh hame batata hai ki communication ke jo ports hain jinme TCP aur UDP shamil hoti hain na sirf wo open hain balki unke sath sath jo working ports hain वो भी ओपन है। इलिसिट यूजर्स मे यूज दिस पोर्ट्स टू कैप्चर एक्सेस टू वेरियस सिस्टम रिसोर्सेज, कह रहे हैं जो हैकर्स हैं या गैर कानूनी इस्तेमाल करने वाले हैं वो इन्हीं पोर्ट्स के जरिए क्या कर सकते हैं, सिस्टम के कई रिसोर्सेज की तरफ उनकी एक्सेस हो सकती है, उनको कैप्चर कर सकते हैं। इट हैज़ रिपोर्टेड न्यूमरियस इवेंट्स वेयर द लेजिटिमेट यूजर एक्सेस वाज़ प्रोहिबिटेड बाय चेंजिंग देयर पासवर्ड। कई ऐसी कई रिपोर्टें दर्ज कराई जा चुकी हैं जहां जो कानूनी तौर पर यूज़र्स हैं जिनको इस्तेमाल करने का हक है उनको रोक दिया गया है उनके पासवर्ड को चेंज करके इसी प्रॉब्लम की वजह से जो ओपन पोर्ट्स हैं। आईटी एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट इंटरवीन टू रीसेट यूजर्स कंडीशनर्स, जहाँ आईटी के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको लाजमी तौर पर दखल अंदाजी करनी चाहिए उन यूजर्स के कंडीशन को रीसेट करने के लिए, दोबारा से तरतीब देने के लिए। फॉर सिग्निफिकेंट पीरियड्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस वर इंटरप्टेड लीडिंग टू कंप्लेंट्स एंड डिससैटिस्फैक्शन स्पोर्ट्स फ्रॉम द सब्सक्राइबर्स। कहें खास जो अदवार थे जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन थे वो उनको बड़ी दफ़ा बीच में इंटरप्ट कर दिया गया था, तो इन कंप्लेंट्स को डिससैटिस्फैक्शन जो रिपोर्टें थी जो सब्सक्राइबर्स की तरफ जिन्होंने इनको खरीदा होता था उनकी तरफ से मौसूल होती थी। यू हैव स्टडीड वेरियस कंसेप्ट्स रिलेटेड टू सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, आपने इंफॉर्मेशन सिस्टम की सिक्योरिटी के हवाले से कई कंसेप्ट्स को पढ़ा है। यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई व्हाट रिस्क थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज आर डिस्कस्ड इन द गिवन सिनेरियोस। आपने क्या करना है, जो आपको एक सिनेरियो दिया गया है जिसमें जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं उनके हवाले से जो थ्रेट्स हैं रिस्क हैं उनको आपने आइडेंटिफाई करना है। योर आंसर शुड नॉट एक्सीड 60 वर्ड्स, के आपका जो आंसर है 60 वर्ड से नहीं बनना चाहिए। अननेसेसरी लॉन्ग रिस्पॉन्स विल बी गिवन 0 मार्क्स, कह रहे हैं जो गैर जरूरी तौर पर लंबे जवाब होंगे उनको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो ये ओवरऑल हमारे पास सिनेरियो है। तो चलें अपने सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। इसमें पहले सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले मैं आपको इसका क्वेश्चन से ही सब इन्फॉर्मेशन गैदर करके देता हूँ। पहले हम देख लेते हैं सिक्योरिटी रिस्क या सिक्योरिटीज के हवाले से जो इश्यूज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, फिजिकल होते हैं और लॉजिकल होते हैं। फिजिकल में आप कह लेंगे सिस्टम उठा के ले गए, कोई वायर कट कर दी या इस तरह कोई और इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन जो लॉजिकल इश्यूज हैं उसमें क्या हो सकता है, आपका इंट्रूजन होती है यानी दखल अंदाजी होती है, हैकर्स इन्वॉल्व होते हैं, वायरस सेंड कर दिया जाता है, माल फंक्शन होते हैं, स्पैमिंग वगैरह होती है, तो ये सारे सारे लॉजिकल इश्यूज है। तो इस सिनेरियो में हमने क्या डिस्कशन किया है, हमें क्या पता चला है कि जो इशू है सिक्योरिटी के हवाले से वो लॉजिकल है। लॉजिकल कैसे हैं कि जो इलिसिट यूज़र हैं जो हैकर्स हैं वो ओपन पोर्ट्स को, जो रिस्क है हमारे सिस्टम के लिए वो ओपन पोर्ट्स हैं, वो ओपन पोर्ट्स को यूज़ करके सिस्टम के जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके वेरियस रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे हैं, और एक्सेस करके वो क्या कर रहे हैं, जो कानूनी तौर पर यूज़र्स हैं जिन्होंने पैसे दे सब्सक्राइब किया हुआ है उनके एक्सेस को भी रोक देते हैं उनके पासवर्ड को चेंज करते हुए। तो हमें चीज़ें समझ में आ गई कि हमें रिस्क पता चल गया क्या था, वो ओपन पोर्ट थ्रेट्स थी और जो थ्रेट्स की टाइप थी वो लॉजिकल टाइप है, और जिसकी जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो किस में आता है, इंट्रूजन में आता है। ये चीज़ें अब मैंने ही जवाब में लिखी हैं जो मैं आपके सामने रीड आउट करूँगा। तो ये हमारे पास है,
खैर वनरेबिलिटीज का मतलब होता है कमजोरियां जो हैं उस सिस्टम की इंफॉर्मेशन सिस्टम की. द वनरेबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ रिस्क एंड थ्रेट्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो. रिस्क जो मैंने आपको बताया कि जो उसकी ओपन कम्युनिकेशन पोर्ट्स हैं TCP आर क्लियर रिस्क फॉर द सिस्टम, सिस्टम के लिए वाजह तौर पर एक रिस्क हैं. हैकर्स हैव एक्सेस टू वेरियस रिसोर्सेज ऑफ सिस्टम थ्रू दिस पोर्ट्स, जैसे मैंने आपको बताया और उन्होंने वो चेंज भी किया यूजर्स के पासवर्ड को ये इन्हीं ओपन पोर्ट्स के जरिए. तो ये हमारे पास रिस्क है. थ्रेट्स क्या है? द थ्रेट्स एसोसिएटेड विद दिस सिस्टम इज लॉजिकल एंड इट इज फॉर्म इट इज ऑफ इंट्रूजन फॉर्म. दरअसल जैसे वाली फॉर्म की सूरत में ये पाए जाते हैं क्योंकि हैकर्स या ऐसे जो यूजर्स हैं वो इसको यूज कर रहे हैं इंटरवीन करने के लिए सिस्टम में, क्योंकि वो ओपन पोर्ट्स उनको पाथ प्रोवाइड कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं खराब करने के लिए. यूजर्स हैज बीन प्रोहिबिटेड चेंजिंग देयर पासवर्ड. तो इसी को यूज़ करते हुए उन्होंने जो यूजर्स के पासवर्ड थे उनको चेंज करके उनको प्रोहिबिट किया कि वो अपने सिस्टम को इस्तेमाल ना कर सके. तो 60 वर्ड्स का था, अब ये मैं आपको सामने दिखाता हूँ, आप ये देखें. तो ये एग्जैक्ट 60 वर्ड्स के हमने अपना आंसर्स कंप्लीट कर लिया. तो अगर कोई आदमी अपने कोई मजीद सजेशन इसमें ऐड करना चाहता है या कोई मजीद इंफॉर्मेशन हमें देना चाहता है तो काइंडली जरूर हमें कमेंट सेक्शन में विद जस्टिफिकेशन हमें जरूर वो अपने राय से आगाह करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अस्सलाम वालेकुम.